नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड की। बिल्कुल, इसको ग्रीन पावर के नाम से जनरली ज़्यादा लोग जानते हैं, और ये आप जैसे ही किसी व्यूअर के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं लेके आया हूँ, उनका रिक्वेस्ट था। और अगर आप भी चाहते हैं कोई वीडियो तो आप भी क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के वीडियोस पेंडिंग है, तो मैं रोज़ कोशिश करता हूँ एक दो लोगों की रिक्वेस्ट को कि उनकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाया जाए। ठीक है, आज जो और जो अगला वीडियो आएगा KBC ग्लोबल पे आने वाला है। ठीक है, KBC ग्लोबल पे, वो भी क्या कहते हैं रिक्वेस्ट पे ही आ रहा है आप जैसे किसी व्यूअर की। चलिए शुरू करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड इज इन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल पावर। बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी का क्या कहते हैं इसे बिलोंग करता है इसका कामकाज। इट इज इंगेज्ड इन डेवलपिंग ओइंग एंड ऑपरेटिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ विंड एनर्जी पावर प्लांट्स। बिल्कुल, तो एक तो ये हो गया, ये पेनी स्टॉक है जो 9 रुपये में है और इसी की रेंज में लगभग 7 रुपये, 7.5 से 9 के बीच में ही चल रहा है। दूसरा है सुजलॉन, ठीक है, आप उस पर भी क्या कहते हैं नज़र रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका मार्केट कैप 676 करोड़ का है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.41% है, कम है काफ़ी। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये तो बहुत ही कम है, 1.54% है मात्र। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, 34.5%, 34.5% के आसपास है। और सारी प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर सारी की सारी प्लेज हो रखी है लगभग 99.8% के आसपास, तो यहाँ पर आपको एक भी पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE और प्रमोटर होल्डिंग और प्लेज परसेंट। और एक और सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ जो आपको देखने को मिली, डेट आप देखिए 1216 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, वो मार्केट कैप है 676 करोड़ का, जो डेट टू इक्विटी बनाता है 2.48। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पर एक भी चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिख रही है, माफ कीजिएगा, नेगेटिव ही सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। लोअर हाई की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 2.85 और दूसरा 28.8 हाई है, और अभी चल रहा है 9 रुपये पे। लेकिन कुछ पॉजिटिव भी है, आगे देखिए वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट में चार्ट पे भी डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है, अगर नेगेटिव ही होता तो इतना भाग क्यों रहा होता, मतलब इतना हाई कैसे लगाता। बात करें अगर प्रॉज एंड कॉन्स की, तो यहाँ पर एक भी प्रॉज नहीं है, कॉन्स यहाँ पर बहुत सारे हैं। वीडियो को पॉज करिए, आप पढ़ सकते हैं इसको। बात करते हैं सेल्स की, क्वार्टरली रिजल्ट्स की, सारी वैल्यू जो है वो करोड़ में है। जून की बात करें, जून 2022 की, तो सेल आई है 77.69 करोड़ रुपए, उससे पहले थी 37.78 करोड़, तो पिछले क्वार्टर से तो आपको बढ़िया जम दिख रहा है। और पिछले साल के क्वार्टर से जून से देखेंगे तो 75 करोड़ थी लगभग, 75 करोड़ 31 लाख, उससे आपको जम दिख रहा है, उससे भी आपको प्लस ही दिख रहा है 77.69 करोड़। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ठीक ठाक अप ट्रेंड नज़र आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से तो खैर डाउन रहा था, यहाँ की बात ठीक रहा है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ पर ये बहुत शानदार दिख रहा है आपको, 67, 39, 71, 74, 71, 25, 53, 75, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका ज़बरदस्त है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पर तो 8.85 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आया है, उससे पहले लॉस था 33 करोड़ का, फिर प्रॉफिट था, फिर लॉस प्रॉफिट, तो आप देख रहे हैं मतलब प्रॉफिट लॉस ऐसे मामला चल रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर प्रॉपर नहीं नज़र आ रही है। ईयरली लेवल पे बात करते हैं, अगर सारी वैल्यू करोड़ में है, सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 311 करोड़ आई है मार्च 2022 में, उससे पहले 257 करोड़, 369 करोड़, 323 करोड़, 357 करोड़, तो यहाँ से थोड़ा बहुत मामला ऐसा ऐसा आपको चलता हुआ नज़र आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसा कि आपने पीछे भी देखा बहुत ज़बरदस्त है, 68%, 69, 61, 63, 67। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2022 में यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला 35 करोड़ का, उससे पहले 58 करोड़ का लॉस, उससे पहले 23 करोड़ का प्रॉफिट, 49 करोड़ का लॉस, और लगातार आपको पीछे लॉस ही दिख रहा है। ठीक है, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 43 करोड़ का प्रॉफिट हो देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात करें रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स मेंटेन करती नहीं है, मार्च 2011 में मेंटेन किया करती थी, लेकिन अभी -261 करोड़ आपको दिख रहा है, तो रिजर्व्स कंपनी के पास नहीं है। यहाँ पर देखिए जो पॉजिटिव चीज़ मैंने आपको बताई थी वो है ये FIIs। देखिए जब किसी शेयर में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ स्टडी या कोई ना कोई दूर की ऐसी चीज़ होती है जो उनको आइडिया कुछ रहता है, और वहाँ के लिए वो उसमें एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पर 0.49 हुआ करती थी इनकी होल्डिंग, जो बढ़कर 1.06 हो गई है, ये बहुत एक बड़ा पॉजिटिव है। और DII भी देखेंगे अगर आप, तो DII यहाँ पर थोड़े से कम हुए, 4.19 था जो कि 0.02% कम हुआ है, और बचा है 4.17। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक यही एक पॉजिटिव चीज़ है, बाकी फंडामेंटल्स में कुछ भी ऐसा नहीं है। बात करें रिटर्न की, तो यहाँ पर भैया 8.95 रुपये के लो लगाता है वनडे की, और 9.10 रुपये का ही लगाता है, और 9 रुपये पे बंद होता है ये।
बात करें 1 वीक के रिटर्न की तो -2.70% का रिटर्न, 1 मंथ की बात करें तो लगभग 11% माइनस, 1 साल की बात करें तो क्या बेहतरीन छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिए इसने, 205% के रिटर्न दिए, वाह वाह। 1 लाख को इसने बना दिया 3,05,000 रुपये मात्र 1 साल में, और 1 साल में FD आपको 5% रिटर्न देती है, 5 से 5.5%, अब कुछ बैंकों ने बढ़ा दिए। खैर बात करें 5 साल की तो 5 साल में यहाँ पर आपको 4.65% के रिटर्न देखने को मिले हैं, और यहीं भी आप, और मैक्सिमम की अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम में आपके लगभग पूरा पैसा खा गया है, 80% माइनस में आपका है, यानी कि 1 लाख बचे हैं मात्र 20,000। और लो की बात करेंगे अगर तो 1 रुपये 20 पैसे, और हाई लगाते हैं 47.25 रुपये का। बात करें एंट्री पॉइंट की तो गुड टाइम टू कंसीडर है भैया, स्टॉक ओवरबॉट दोनों नहीं है ठीक है, लेकिन स्टॉक रेड फ्लैग कई सारे हैं, जैसे क्या ASM लिस्ट में तो है ही है, और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर इनकी प्रमोटर होल्डिंग भैया 99% से ज़्यादा ही प्लेज है ठीक है, तो पूरी प्रमोटर होल्डिंग की प्लेज है, एक तो कम है प्रमोटर होल्डिंग, ऊपर से प्लेज भी है। बात करें सेक्टर के PE की तो 30.14 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ठीक है, और कंपनी का PE आपको देखने को मिल रहा है 19.21, तो ये आपको इससे तो सस्ता ही मिल रहा है, खैर काफ़ी सस्ता है सेक्टर के PE से, लेकिन फंडामेंटल आपने खुद देख लिया है, आपको समझना चाहिए। बात करें इसके पीयर्स की तो अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 1 साल में देखिए 129% के रिटर्न दिए, इससे ज़्यादा रिटर्न इतने दिए आपको 205% के जिसका आप वीडियो देख रहे हैं। NHPC 1 साल में 43.82%, SJVN लिमिटेड इस पर मैंने वीडियो बना रखा है सेपरेट, 17.56% का रिटर्न दे रखा है, और जयप्रकाश पावर 79.76% का। अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो या किसी पे भी इनमें से चाहते हैं तो आप बताइएगा तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। बात करें अगर इसकी फाइनेंशियल ट्रेंड की तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिला, फिर यहाँ से अप ट्रेंड, यहाँ से आपको ऐसा ऐसा और ऐसा मामला दिख रहा है, यहाँ से लॉस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पर ठीक ठाक रहा है 2022 में, देखिए 2023 में क्या कारनामा करते हैं, उसके बाद ही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। और सारी वैल्यू यहाँ पर देखेंगे आप तो करोड़ में है ठीक है। बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम देखिए 1 मंथ का एवरेज है ठीक ठाक, अच्छा खासा वॉल्यूम है 49 लाख का, और डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर 26.78% का डिलीवरी परसेंट है। 1 वीक की बात करेंगे तो 34 लाख का वॉल्यूम है और 65.65% का डिलीवरी परसेंट है ठीक है। और यस्टरडे की बात करेंगे तो यस्टरडे यानी कि कल देखिए गणेश चतुर्थी थी तो कल मार्केट बंद थी, उससे पहले का ये है और ये है यानी कि सोमवार का ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 28 लाख का वॉल्यूम क्या कहते हैं ये जनरेट कर रहा है और 78.89% डिलीवरी उठाई गई, और ये अभी मामला यहाँ पर अपडेटेड नहीं है जब तक मैं ये बनाया है वीडियो। बात करें इसके रेजिस्टेंस की तो पहला है 9.08 रुपये, दूसरा है 9.17 रुपये और तीसरा है 9.23 रुपये। वहीं बात करें सपोर्ट की तो पहला 8.93 रुपये, दूसरा है 8.87 रुपये और तीसरा है 8.78 रुपये का। बात करते हैं इसके चार्ट की तो यहाँ पर आप चार्ट देख रहे हैं, अच्छा खासा आपको यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली थी यहाँ पर ठीक है, नीचे फिर यहाँ पर इसने बाउंस बैक की, और अभी फिलहाल कई दिनों से आप देखेंगे तो ये वाले कंसोलिडेशन वाले फेज में एक रेंज में फंसा हुआ, तो यहाँ पर देखिए अभी ये जहाँ पर है ना 9 रुपये, ये एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट है ठीक है। 9 रुपये से नीचे जाता है तो आपको फर्दर गिरावट यहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है लगभग 7.5 रुपये के आसपास तक, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद कम दिखती है कि ये जाएगा ठीक है, लेकिन अगर आता है तो यहाँ पर आपको कमजोरी देखने को फर्दर और देखने को मिल सकती है। और अभी मेरे हिसाब से तो इसमें आपको उतना ही पैसा लगाना चाहिए भाई कि जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो, क्योंकि फंडामेंटल्स आपने खुद देखे हैं ठीक है। फंडामेंटल्स में आपको क्या पॉजिटिव दिखा है, केवल एक चीज़ जहाँ पर FII ने अपनी एंट्री बढ़ाई है बस, बाकी और वहाँ पर आपको कोई चीज़ ऐसे पूरे एनालिसिस में आपको कोई भी चीज़ पॉजिटिव दिखी हो तो मुझे बताइएगा। बात करें इसके RSI की तो यहाँ पर 42.20 का RSI नज़र आता है ठीक है, और बात करेंगे रेजिस्टेंस की तो पहला रेजिस्टेंस इसका वही 5.5 के आसपास दिखता है, वहाँ पर जाके ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, अगर ये तोड़ता है तो फिर आपको के ऊपर बढ़िया भागता हुआ नजर आएगा। बात करें वीकली लेवल पे तो वीकली लेवल पे भी आप देखेंगे कितने हफ्तों से ये उसी रेंज में घूम रहा है, यहाँ से बढ़िया जंप फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, और यहाँ से कई हफ्तों से कंसोलिडेशन वाले फेस में है। बात करें RSI की तो यहाँ पर भी आपको कमजोरी दिख रही है। बात करें अगर इसके हम मंथली कैंडल की ठीक है, मंथली कैंडल भी देखेंगे तो यहाँ से बढ़िया जंप यहाँ से बढ़िया डाउन, तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा अप ट्रेंड आपको हल्का फुल्का मंथली लेवल पे दिख रहा है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया लगभग वही 7 रुपये के आसपास ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी पेनी स्टॉक है, इस तरह के स्टॉक में बहुत ही सोच समझ के एंट्री करिए ठीक है, और उतना ही पैसा लगाइए जितना खो जाए डूब जाए टेंशन ना हो। और दूसरी चीज़ मैं अपने हर वीडियो के आखिरी में बोलता हूँ, जो डिस्क्लेमर में देता हूँ कि भैया मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ,
वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। आपको इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। मेरे पर्सनल व्यूज़ होते हैं, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक तो कर दिया करिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। चलिए, धन्यवाद।